बेटियों की शादी कराकर गरीबों को बड़ी राहत देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन प्रदेश के भ्रष्टाचारी नेता और कर्मचारियों ने उसे भी अपनी बेईमानी की कमाई का जरिया बना लिया। दतिया जिले में अनियमितताओं और गलत कार्यों के लिए बदनाम नगरपालिका का एक और भ्रष्टाचारी भरा कारनामा सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नगरपालिका में जिन जोड़ों के विवाह करवाए हैं उनमें से अधिकांश जोड़ों के विवाह पहले से ही हो चुके थे। नगरपालिका के लोगों को ये सब पहले से ही पता था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने फायदे के लिए लोगों को माध्यम बनाकर बेईमानी से सरकारी पैसा अपनी जेब में भर रहे हैं। जोड़ों की शादी की सिफारिश पार्षदों द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ पार्षद के साथ जिम्मेदार लोग ऐसे नाम इस योजना में शामिल करवा देते हैं जो पहले से शादीशुदा होते हैं, और सरकारी खजाने से मिलने वाले पैसे का कुछ भाग जोड़े को देते हैं और बाकी पैसा भ्रष्टाचारी अपनी जेबों में भरते हैं। जब नगरपालिका के लोगों की करतूत उजागर हुई तो अब अधिकारीगण जाँच की बात कहकर अपनी कारगुजारी छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, आपके द्वारा हमारे पास ऐसा संज्ञान में दिया जा रहा है, उसके लिए हमने आवेदक द्वारा जो आवेदन पत्र दिए गए हैं उसमें सभी समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं एवं शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में साफ साफ उसके द्वारा लिखा गया है कि पूर्व में उसकी कोई शादी नहीं हुई है और वह पूरी तरह इस विवाह में स्वयं अपनी मर्जी से सम्मिलित होना चाहता है। इसके बावजूद भी अगर ऐसा आवेदक गलत जानकारी देकर अगर सम्मेलन में सम्मिलित हुआ है तो ऐसा प्रकरण सामने आता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सम्मेलन के दौरान हमारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO सर द्वारा भी बार बार अनाउंसमेंट किया गया कि अगर कोई ऐसा जोड़ा जिसकी पूर्व में शादी हुई है वो इस सम्मेलन में सम्मिलित होता है तो उसको इस योजना के द्वारा दिए जाने वाला लाभ नहीं दिया जाएगा, उस योजना का लिए पात्र नहीं होगा। दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट।